हेलो, राम राम बेबे सारिया ने। अरे बेबे, रक्षाबंधन आने लग रहा है। और देखे के ना मुसनु काग रहे हैं, उन ननदा की कदर है, कदे भी कम नहीं होती। फिर मैं जो ननदे बाई की गला गल भाभी का भी ख्याल रखे है। अनु काग छोरियो कुछ नहीं जाता, कुछ भी भाभी ने राजी करण में। बाई की तो तुम राखी लेकर जाओ, भाभी की भी राखी लेकर जाओ हो, भतीजा की भी राखी लेकर जाओ हो। बाई का तुम पैंट शर्ट कुर्ता पजामा कुछ तो लेके जाओगे, टुकड़ा 2 मीटर लेके जाओगे ना। उस समय ना भाभी के ना कुछ भी छोटी सी चीज़ इधर ले जाओ, जैसे कोई बढ़िया सी चुनड़ी पसंद आ गई थारे, या चुन्नी पसंद आ गई, या कोई चूड़ी सुथरी पसंद आ गई, तो वह भाभी ते भी ले जाओ। मतलब है ना, भाभी इतनी राजी हो जाएंगे कि मेरी ननद मेरे लिए भी कुछ लेकर आई है। भाभी मारते ना, भाभी इसलिए चुड़े हैं क्योंकि हम भाभी ने भाभी की नज़र तक देखा। जिस दिन हम भाभी ने अपनी सहेली की तरह देखने लग जाएगा ना, भाई तो हम कुर्ता पजामा ले जाए, भाभी तो मान ले सूट नहीं ले जा सकते। 100-150 रुपये की चूड़ी हो, सुथरी कड़े हों, या मतलब कोई और चीज़ ऐसी निगामा आ जाए जो भाभी के पसंद की इसी भी हो, और भाभी ने ले जा। दे भाभी की बार मैं रक्षाबंधन पर तेरे खातर भी लाई हूँ, बाबू की हूँ भाई। भाभी मेरी राज्य हो जा, एक आधी भाभी ऐसी होगी जो कि नाक मारेगी ना, तो एक बतवा खुश होगी। अरे खुश होकर जित 100 रुपये देती होगी ना, कसम थोड़ा 500 का काट के लाओगी। सच्ची देवे, मेरा तो मानना यह है कि भाइयों के साथ साथ अपनी भाभियाँ ने राजी रखो। अगर पीर बना कर रखना है ना अपना छोरियो, या मैं उन ननदा अपील करूँ जो ननद अपना रोब दिखाना चाहूँ अपने पीर में। ना ना, माँ बापों के सदा नहीं चलनी, पीर भाई भाभियाँ का वो है, लाडो है माँ बाप के, और पीर तो भाई भाभियाँ का भे। अरे भाप भाई जब थर तक खुश रह सके है, और तब ना खुल कर जब सब कुछ ले दे सके से, जब उसकी घरवाली, क्योंकि जब तुम अपने तन ताजा लगा लो अपने घर में, तुम अपनी चलाओ अपने आदमी के नीचे वो करती, तो उसका भी घर है, उसके घर में भी भाई उसका भी हम नहीं नुकसान कर सकते।